इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड एंड बेस। फाइंड इक्विवेलेंट वेट। चलो उसमें पहला पार्ट में बहुत सारे ऑप्शन है क्या? यस सर। एसिड एंड बेस। तो चलो जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, उसमें कोई तीन चार पार्ट बोलो, बता दे कौन कौन सा पार्ट बता रहे, कहाँ जहाँ जाओ रहा बोलो बोलो, कोई भी बोलो। सर ALOH होल थ्राइस, ALOH होल थ्राइस प्लस 3HCl, 3HCl गिव्स AlCl3 प्लस 3H2। इसमें क्या कंफ्यूजन है? ये तो बहुत क्लियर है कि ये बेस हो गया, हुआ ना बेस, एसिड है। अब बताइए भाई, मैं हम कौन तो पर मोल को लेते हैं, कितना ओएच गैप हो रहा है? तीन ओएच है इसका, एक भी ओएच, तीन ओएच गया कि नहीं गया इसका? यस सर। तीन ओएच रिप्लेस हो गया, थ्री ओएच रिप्लेस्ड, तीन ओएच इसके रिप्लेस्ड हो गया। तो जल्दी बताओ इसका वैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा, बताओ थ्री। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, अगर जो इसका मोलर मास रहेगा, जो भी इसका मोलर मास रहेगा, उसको किससे हम डिवाइड कर देंगे, बोलिए? यही है। अब यहाँ देखिए इसका कितना एच जा रहा है, एक ही एच ही है, HCl के पास कितना हाइड्रोजन है, एक। इससे कोई मतलब नहीं है, बैलेंसिंग का कोई मतलब नहीं होता, बैलेंसिंग का कोई रोल है नहीं, हम HCl को देखते हैं, HCl को, HCl का हमें निकालना है, 3HCl का थोड़ी निकालना, HCl का निकालता है, एक ही हाइड्रोजन है, तो वैलेंस फैक्टर कितना होगा HCl का, बोलो वन। तो इक्विवेलेंट वेट किसका निकालते हो, ध्यान देना, तुम HCl का तुम निकालते, 3HCl का थोड़ी निकालते, ठीक है? HCl का, HCl बताओ एक वैलेंस फैक्टर है, तो क्या होगा बताओ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl। अब बोलो यार, कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। एक HCl का निकालना था, तो बैलेंसिंग वैसे ही मैं पहले कर चुका हूँ, बैलेंसिंग इक्विवेलेंट का कोई मतलब। और बताओ और कौन सा पूछना, और बताओ तो और एक और पूछ लो, और बताओ कौन सा है, बताओ और पूछ लो, देख लो ताकि सर जो पेज में आंसर दिया है वो मैच नहीं कर रहा है किसी से। नहीं हाँ सर, बहुत अजीब आंसर दिया है सर, आंसर ठीक नहीं है, आंसर गलत है, एकदम मैच ही नहीं कर रहा है सर, नहीं यार गलत भेज दिए क्या यार, ऐसे है नहीं। चलो बताओ और बताओ कौन सा, बताओ बताओ जो जो पूछना पूछो, और कौन सा इसमें बताया, बताओ इसमें क्या अच्छा सवाल है, बोलो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इसी बताओ, बोलो क्या है, बोलो। टेकिंग H2SO4 एज अ डाइबेसिक एसिड, फाइंड आउट अलग है क्या, वन नंबर है कि अलग है वो सर, अलग है। इसमें एक पार्ट और पूछ लो ना, वन नंबर में ढेर सारे, एक पार्ट और पूछ लो, तो बोलो एक आध पार्ट और बोलो, कोई तो समझा दे, पूछो। देखो रिकॉर्डिंग है, इतना टाइम लगा तो कैसे होगा बताओ। 3H3PO3 क्या है, 3H3PO3 3H3PO3 प्लस 2AlOH का होल थ्राइस, 2AlOH का होल थ्राइस गिव्स Al2 ब्रैकेट में HPO3 का होल थ्राइस, HPO3 हाँ HPO3 का होल थ्राइस प्लस H2 है ना, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। चलो बैलेंसिंग का कोई रोल नहीं है, बैलेंसिंग का कोई रोल है कि नहीं रोल है बताओ, तो कोई रोल नहीं, बैलेंसिंग का क्या रोल, बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं है बैलेंस फैक्टर। तो चलो यहाँ देखो इसके पास कितने हाइड्रोजन थे बताओ, तो कितने हाइड्रोजन है, और यहाँ 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 कितना बचा हुआ है बोलो, कितना बचा हुआ है, तीन, एक बचा है ना, देखो तीन था एक बचा है कि नहीं बचा, देखो H3PO3 से HPO3 बताया, यानी कितना हाइड्रोजन निकला, दो दो, ऐसा सवाल मैं करवाया भी था, बोलो बच्चे यहाँ तीन हाइड्रोजन है, यहाँ देखो एक है, मतलब दो निकल गए, बैलेंसिंग से कोई मतलब होता नहीं है फिर से, ठीक है? तो चलो यहाँ तीन था यहाँ दो है, तो बताओ बैलेंस फैक्टर कितना आएगा बताओ, टू। चलो कितना हुआ है बताओ, वर्षा, वर्षा कितना हुए है बोलो, वन वन हुए है, थ्री हुए है सर, थ्री है, वन दिख रहा है तुमको, एलओएच हॉल थ्राइस है तो वन है, तीन हुए है,
इधर कितना OH है क्या, यही है नहीं है बोलो? नहीं है सर, नहीं है, मतलब कितना निकल गया बोलो, कितना निकला बोलो? 3 OH रिप्लेस्ड, इसे लिखो ना 3 OH रिप्लेसिबल, रिप्लेसिबल मतलब निकल गया। तो बैलेंस फैक्टर कितना आएगा, 3 आएगा? यस सर। तो बैलेंस फैक्टर 3 आएगा, तो बताओ जल्दी से क्या आएगा इसका इक्विवेलेंट, डायरेक्ट लिखते हैं m / 2। यस सर। और m / 3 लिख दें। यस सर। यस सर। आया कि अभी एक आध और पूछना तो पूछ लो, एकदम टेंशन नहीं लेना वर्षा, तुम पूछो एक सवाल, तुम पाओ नहीं रहा, तुम एक तो पूछो, है कि नहीं तुम्हारे पास पेपर हो? नहीं है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, कोई और एक और पूछ लो भाई, ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, आराम से डिस्कस करते हैं पूरा धीरे धीरे, अब आराम ही, और कोई डिस्कस करना तो बताओ, सब दिग्विजय कोई पूछना है बच्चा? दिग्विजय ये नहीं है, साहिल कोई बताओ, और कोई पूछना है तो बताओ। सर ऐसा क्वेश्चन आ गया, और किसी को पूछना है कोई? इसका दूसरा क्वेश्चन पूछना है। क्या बोलो सर? इक्विवेलेंट वेट इफ Na2CO3 मॉलिक्यूलर वेट दिया है m इन द फॉलोइंग रिएक्शन में। एक मिनट, Na2CO3 और किससे रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है मुझे बताओ? Na2CO3 प्लस HCl। और ये बन रहा है NaHCO3 प्लस NaCl। NaHCO3 प्लस NaCl। NaCl। चलो अब देखो इसको, इक्विवेलेंट वेट तो निकल जाएगा, देखो दोनों का निकाल देते हैं। ये बताओ एसिड है? यस सर। एसिड है कि नहीं पहले मुझे बताओ? यस सर। और कितना एच प्लस दे रहा है यहाँ पे? एक एच है। अब यहाँ क्लोरीन के पास कोई एच है क्या? देखो तो नहीं है ना। कितना एच प्लस निकल रहा है बोलो? वन। तो एच प्लस रिप्लेस्ड, एच प्लस रिप्लेस्ड, तो ध्यान देना। तो यहाँ बैलेंस फैक्टर वन आएगा क्या? यस सर। इसका m / 1 होगा? यस सर। अब कंफ्यूजन तुमको यहाँ, अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये H प्लस है कि नहीं है इसके? अब देखो इधर एसिड, अब इसका रिएक्शन पक्का किससे होगा? बेसिस से ना होगा? बोलो एसिड का रिएक्शन किससे होता है बोलो? बेस। अब देखो बेस दोनों होता है, मैंने तुमको बताया था, है ना? बेस का ध्यान देना, बेस का मतलब क्या होता है? अपोजिट ऑफ एसिड। तो बेस का सबसे पहला डिफिनेशन क्या है? OH माइनस क्या करना? देना। लिखवाया भी थे या क्या? ले लेना लेना, समझे नहीं समझे? दोनों उसी तरह से एसिड के लिए क्या कहोगे? क्या देना? एच प्लस देना। या अगर लेगा तो क्या लेगा बताओ? लेगा तो क्या लेगा? OH माइनस लेना। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। तो ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है, ये भी बहुत रेयरली, मतलब मेनली यही काम है इन दोनों का, बट कभी कभी लोग उल्टा काम भी करते हैं। तो अब मुझे बताओ क्या किया इसने, कितना H प्लस लिया बोलो? एक। वन H प्लस लिया, वन H प्लस रिप्लेस नहीं हुआ, ठीक है? तो जल्दी बताओ कितना आएगा, बताओ बैलेंस में। और इक्विवेलेंट वेट m / 1 होगा कि नहीं होगा बोलो? yes, Yes, सब लोगों को आ गया कि नहीं आया बताओ? यस सर। लिख लो, अगर किसी को डाउट है तो लिख लो इस चीज को, लिख लो इस चीज को पढ़ा। इसीलिए प्रॉब्लम सेट दिया जाता है ना, कि क्लास से पढ़ाते टाइम अगर कोई चीज छूट गया है तो उस चीज को कवर कर दिया। सिम्मी आ रहा बच्चा आपको? यस सर। जल्दी लिख के मिटाए फिर आगे चलेगा अगले क्वेश्चन पे। चले दूसरा था ना ये, तो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा था नहीं तो? Yes, sir. चलिए तीसरा बताइए, तीसरा सभी डिस्कस कर देना, पहला सीट है तो सब डिस्कस कर देना, वो कुछ एक करेंगे एक नहीं करेंगे तो भगवान, पहले सीट में सब डिस्कस कर देना। चलिए तीसरा पूछिए आप लोग, तीसरा पूछिए, सब बता दे रहे हो सकता है आंसर भी गलत चला गया तो फिर दिक्कत होगा। चलिए तीसरा पूछिए, क्या है तीसरा पूछिए बता देना फटाफट, एक मिनट रुक जाए इसको बता देते हैं, क्या है बताओ उसमें क्या निकालना है बताओ? इक्विवेलेंट वेट निकालना है क्या? चलो यहाँ भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है, फाइंड इक्विवेलेंट वेट, क्या है क्वेश्चन पढ़ो। NaSO3 प्लस HCl।
NaHCO3 हाँ NaHCO3 अरे बोलो यस सर बोलो पक्का यस सर इसमें कॉम तो पहली बात ये समझ लो कि H2O plus CO2 जानते हो क्या होता है बेसिकली कार्बोनेटेड ड्रिंक जो तुम पेप्सी पीते हो ना पेप्सी जो भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें CO2 गैस डाला जाता है और जब पानी में जाता है तो कार्बोनिक एसिड बना लेता है ये कौन सा एसिड बताओ कार्बोनिक एसिड बनाता है इसीलिए तुमने देखा होगा उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक बोलते हैं कौन सा ड्रिंक बोलते हैं कार्बोनेटेड इसीलिए बोलते हैं कार्बोन H2CO3 या H2O plus CO2 इज नथिंग बट H2O ध्यान ना किसी को घुमा के ऐसे हम लिखते चलो खैर वैसे भी सोच सकते हैं एसिड है ये एसिड है एसिड काम क्या है कितना H प्लस दे रहा है बताओ एक H प्लस गिवन 1H प्लस गिवन पक्का अब बताओ ये कितना H प्लस ले रहा है एक हाइड्रोजन अब यहां देखो इसको ध्यान से कितना H ले रहा है बताओ 1 देखो यहां एक हाइड्रोजन था ना अब H2CO3 में चला गया हमने एक हाइड्रोजन लिया एक हाइड्रोजन से दो हाइड्रोजन होगा कि नहीं बताओ बताओ सबको देखो एक हाइड्रोजन से दो हाइड्रोजन मतलब सीधी सी बात है बैलेंस फैक्टर कितना आएगा बोलो 1 m/1 समझे नहीं समझे समझे बोला यस बेटा चलो हो गया आगे अगला बताओ सब बता दे फटाफट पूछे थे टॉपिक का स्पीड को बढ़ाएंगे लेकिन सब आज बता दें उसके बाद इक्विवेलेंट है फिर फट अब देखो अब आगे से टॉपिक तेजी से बढ़ जाएगा इक्विवेलेंट थोड़ा कठिन चीज पहले पढ़ा दी अब आगे बहुत जल्दी जल्दी हाँ बोलो यार बोलो अगला बोलो कौन सा बोलो Na2CO3 क्या Na2CO3 फिर से इक्विवेलेंट रेट ही निकालना है क्या यस सर गजब यार Na2CO3 देखो अब समझ गया 2HCl क्या बनेगा मैं लिख दे रहा हूँ देखो 2NaCl बनेगा और साथ में फिर से वही बनाया होगा और वो पहले बता चुका है इसको क्या समझना है H2CO3 अब बताओ बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं होता जल्दी बताओ एसिड का कितना H प्लस दे रहा है HCl बताओ 1 1 1 इक्विवेलेंट वेट m/1 आएगा क्या बोलो तो यस सर यहाँ बताओ कितना H प्लस ले रहा है ये 1 2 Na2CO3 से क्या बना रहा है बताओ H2CO3 2H ले रहा है तो 2H प्लस ले रहा है 2H प्लस लिया तो बैलेंस फैक्टर बताओ यार इक्विवेलेंट वेट क्या होगा m/2 समझ गया कि नहीं समझ गया चौथा यस बोलो सब लोग यस सर वेरी गुड चलो पांचवा में चलते हैं मिटा देना इसको बोलो यस सर यस सर नौ सवाल था क्या सवाल था बोलो तो ये नौ था तो पांचवा में चलते हैं आराम से धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ो पांचवा बताओ क्या पांचवा पढ़ो टेकिंग H2SO4 टेकिंग H2SO4 एज डाई बेसिक एसिड कितना एज डाई बेसिक एसिड डाई बेसिक एसिड चलो ठीक है H2SO4 डाई बेसिक एसिड होता है चलो taking H2SO4 that I will find out volume of n/4 solution of NaOH find the volume of n/4 NaOH yes sir solution required to neutralize required to neutralize
किसको किसको न्यूट्रलाइज करना है, कितने को? पहला बता रहा हूँ ऑप्शन दिया सर 50 ml और 0.6 N फिफ्टी एम एल ऑफ 0.6 N सर अच्छा यही है ना H2SO4 वो तो समझ ही रहा है H2SO4 ही लिया दिख तो रहा है ठीक है तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन यही है पहला पार्ट पहले बना ले H2SO4 तुमने लिया है 50 ml और कितना लिया है 0.6 नॉर्मल यही ना यस सर और इसका रिएक्शन तुम किससे करा रहे हो NaOH NaOH का मतलब जानते हो क्या हुआ 1/4 क्या हुआ यस सर 1/4 1/4 1/4 VML लिख दें अब जरा मुझे बताओ रिएक्शन में क्या बराबर होना चाहिए अगर रिएक्शन हो रहा है तो क्या बराबर होना चाहिए बताओ जल्दी से आज मैं बार बार बताया इक्विवेलेंट इक्वल होना चाहिए इक्विवेलेंट तो इक्विवेलेंट में ध्यान दीजिएगा अगर नॉर्मलिटी दिया है तो वैलेंस फैक्टर की जरूरत है कि जरूरत नहीं है नहीं है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है मोलारिटी इनटू क्या होता है वैलेंस फैक्टर मतलब अगर नॉर्मलिटी दिया है तो फिर वैलेंस फैक्टर की जरूरत है कि जरूरत नहीं है बोलिए नहीं है सर काहे को है दीजिए ऑलरेडी तो यहाँ नहीं है अच्छा जो भी बोले हैं अगर नॉर्मलिटी है तो क्या करोगे मुझे बताओ ये 50 × 0.6 इफ नॉर्मलिटी का मतलब क्या हुआ मोलारिटी इंटू वैलेंस फैक्टर दोनों हो जाना एक साथ नॉर्मलिटी में कौन आता है मोलारिटी आता है वैलेंस फैक्टर आता है कि दोनों आता है दोनों आता है फिर वैलेंस फैक्टर की जरूरत है डायरेक्ट इक्विवेलेंट तुम्हारा आ गया नॉर्मलिटी दिया तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट पहले का बराबर चाहो तो 1000 से डिवाइड कर लो चाहो तो नहीं भी कर सकते हो एम एल एम एल है तो चाहो तो नहीं भी कर सकते बराबर क्या करोगे इधर बताओ इधर क्या लिखेंगे 0.25 नहीं बन गया yes, बोलो बन गया कि नहीं बन गया बोलो बन गया चलो इसी में दूसरा पार्ट क्या दिया बताओ दूसरा पार्ट सर 50 ml ऑफ 0.6 m मोलारिटी दिया है कि नॉर्मलिटी दिया है दूसरे मोलारिटी दिया है बस अब देखो तो मुझे जल्दी बताओ तुम लोगों में से जिससे पूछेंगे वही बताएगा सकते ना अब अगर यहाँ मोलारिटी है देखो यहाँ NaOH में नॉर्मलिटी दिया होगा वहां तो नॉर्मलिटी दिया है लेकिन इधर अगर मोलारिटी आ गई तो कहाँ चेंज होगा बताओ कहाँ चेंज होगा बताओ जल्दी हाँ अब बताइए मोलारिटी दिया तो वैलेंस फैक्टर लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा बोलिए लेना पड़ेगा सर और H2SO4 का वैलेंस फैक्टर कितना होता है 2 × 2 कर दिए बस बन गया कि नहीं बन गया बोलिए हो गया बन गया सर अब मुझे बताइए जिस लेवल का मैंने क्वेश्चन करवाया है उससे इजी है कि वेरी इजी वेरी इजी सर मैं तो देखिए क्या क्या आपको करवा चुका हूँ डायलूशन ये वो सब करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ बोलिए जी सर यस सर अब अपने लेवल का देखिए इसीलिए मैं कह रहा था कि क्लास में आप थोड़ा अच्छे जानते हो देखो एक चीज में ध्यान रिकॉर्डिंग ऑफ कर और जैसे तुम लोग को ये लग रहा होगा जैसे देखो पहली सीट है तो हम लोग धीरे 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 आराम आराम से कर रहे हैं ताकि सबको लगे कि कुछ किलो का नहीं है जितना अच्छी उतना थप्पड़ मारिए कोई टेंशन ठीक है चलिए भाई साहब यह है पांचवा अब हम देखते हैं छठा क्या देखते हैं छठा तो चलिए छठा पे आते हैं छठा क्या कह रहा है बताइए छठा क्या कह रहा है बताइए व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या व्हाट इज दी व्हाट इज द वॉल्यूम हाँ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली फॉलोइंग सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली हाँ हाँ विथ 0.3 रिक्वायर्ड टू रिएक्शन रिएक्शन ही मैं लिख देता हूँ टू रिएक्शन विथ कितना ऑक्जेलिक एसिड है बोलो
0.63 ग्राम देखो। और जेलिक एसिड पूरा फार्मूला दिया है क्या? नहीं बस लिखा सर। बस यही लिखा है कि कुछ डाइहाइड्रेट वगैरह भी लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। बोलो सर, रिएक्शन बस यही लिखा है। और तो ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट तो होता ही है, मतलब ही होता है। तो इसमें ए है, ऑक्सैलिक एसिड लिखा है बस, कुछ आगे कुछ और भी लिखा मुझे बताओ। नहीं कुछ नहीं लिखा। ठीक है, चलो देखो बताते हैं कैसे बनेगा। तो देखो किससे करवाना है पहली बार बताओ। 0.2 मोलर एनएओएच सॉल्यूशन। 0.4 है कि 0.2 है? 0.2 है, 0.2 है पहला। चलो दूसरा में कितना? दोनों ही है। अरे चलो एक तो बता देते हैं, एक तो बता देते हैं, दूसरा तो अपने आप ही बना लोगे, है ना? यस सर। चलो यार देखो, हमारे पास NaOH है, पहले क्वेश्चन को समझो। NaOH कितना हमारे पास है? 0.4 मोलर, और भी ml हम ले लेते हैं, ml। इसका रिएक्शन हमें किससे कराना है? H2C2O4। ये हमारे पास है 0.60। यही है क्या? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। अब देखो यार, अब हमें निकालना तो इक्विवेलेंट ही पड़ेगा ना। हमेशा किसका रिएक्शन होता है बताओ? इक्विवेलेंट ही हमें निकालना पड़ेगा, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे तो मोल आएगा क्या? बोलो तो। यस सर। और इनटू वैलेंस फैक्टर कितना हो गया बताओ? वन। और साथ में 1000 से इस बार डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? जब दोनों साइड में एमएल एमएल रहता तब नहीं ना डिवाइड करते हैं? बोलो। यस सर। लेकिन अब दूसरे साइड में एमएल है कि नहीं है वर्षा, बताइए? नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया। अब बताइए यहाँ पे इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? अगर वजन दिया है तो सबसे पहले क्या निकलेगा बताइए? मोल कैसे निकलेगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास आप कर लीजिए। मोलर मास करके इसका आप देख लीजिए 90 आया है। देखिए तो 90 आ रहा है क्या? जोड़िए यहाँ से 2, 24, 26, 64, 90 आया। ये क्या आया है? मोल आया है क्या? अभी बोलो। Yes, मोल आया है। yes, अब बताओ साथ में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इक्विवेलेंट के लिए साथ में किससे मल्टीप्लाई करते हैं बताओ? देख लीजिए, वैलेंस फैक्टर कितना? वैलेंस फैक्टर आएगा सर। अरे ये बात सबको समझ में आया कि नहीं? ऐसा मैं करवा भी चुका हूँ। वेट बटे मोलर मास, मोलर मास करेंगे मोल आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वैलेंस फैक्टर हो गया, है ना? ये मोल है और ये वैलेंस। बताइए सब लोगों को समझ में आया कि बताएं? बताइए अच्छे से। आ गया सर। अब मुझे बताइए इसको, आप इसको कटा लीजिए, 100 से ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर डिवाइड कर लीजिए, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, बन सर, हो जाएगा। खाली गुना भाग करना। दिग्विजय बोलो यार, क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, सब लोगों को आ गया यार? चलो यार, मतलब कितना आसान था ना? तुम लोग जानते हो करना क्या, एक बार दोबारा बना लो, छोड़ना मत। चलो क्वेश्चन नंबर, देखो दूसरा पार्ट बताने का जरूरत है ना, 0.2, 0.4 यही तो, एक ही तो है। चलो यार क्वेश्चन 7 पढ़ो, क्या है यार पढ़ो। 0.8 ग्राम। रुक जाओ, 0.8 किलोग्राम। 0.8 किलोग्राम। ठीक है 80, अच्छा ग्राम है। 0.80 ना? ठीक तो है, ठीक है। 0.8 kg या ग्राम? ग्राम डाइबेसिक एसिड ऑफ डाई बेसिक एसिड
needs 20 ml. हाँ need 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 हाँ need 20 ml of 0.2 molar NaOH solution. NaOH solution क्या निकालना है? मोलर मास सर पर कंप्लीट चलो कंप्लीट रिएक्शन का कोई मतलब हाँ चलो सर फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड. हाँ वही तुमको बताना फाइंड मैं समझ गया था फाइंड मोलर मास एंड इक्विवेलेंट वेट यही ना यार. यस सर एसिड का बताना एसिड हमारे पास कोई एसिड है. अब बताइए डाई बेसिक का मतलब इसका बैलेंस फैक्टर कितना हुआ पहले मुझे डाई बेसिक का मतलब और ये कितना ग्राम है 0.8 ग्राम. इसका मोलर मास कितना मान लिया जाए मोलर मास तो दिया नहीं तो मोल की जरूरत पड़ी कितना मान लिया जाए मोलर मास बोलिए लेट मोलर मास में मान लेता हूँ लेट एम मान लू बोलो यहाँ एम लिख देंगे मोल कितना आएगा जल्दी बताओ पहले मोल इसका निकालो जल्दी मोल कितना आएगा बताओ 0.8 ग्राम और 0.8 बाय m. ये समझ में आया कि नहीं आया तुमको बोलो. यस सर. अब इस एसिड का रिएक्शन तुम किससे करा रहे हो NaOH. NaOH कितना है 0.2 मोलर. चल अब इक्विवेलेंट निकाला जाए क्या दोनों साइड में इक्विवेलेंट निकाल के बराबर किया जाए. सर चलो यार मोल तो हमें यहाँ पता चल गया है मोल हमारा यहाँ कितना है 0.8 इंटू 1 m. अब बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए क्या करें बताओ सर. बैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट आएगा दो से मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट हो गया पहले का. अब इधर इधर का रुक जाओ इधर का इक्वेशन बताइए आप बताइए वर्षा आप बताइए वर्षा बताइए उधर का इक्वेशन क्या लिखेंगे के लिए बताइए 0.2 into 1 अच्छा 1 चलो ठीक है आगे इंटू 1 अरे 1 तो हो गया 0.2 इंटू 1 तो हो गया आगे बस अरे वॉल्यूम करेंगे ना 20 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कर अब 1000 भी करेंगे क्यों 1000 करेंगे बोलो क्योंकि एमएल में दिया है एसिड एमएल में दिया है. बस मैं कह रहा हूँ जब दोनों साइड में वॉल्यूम रहेगा तब 1000 करने का जरूरत है कि नहीं जरूरत भी कर सकते हो लेकिन 1000 से 1000 बार बार क्या होगा बोलो कट जाएगा. तो जब दोनों साइड में एमएल दिया तब नहीं करो ऐसे तो करके करो बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ पहले. अब बताओ यहाँ से मोलर मास निकाल लोगे बताओ इक्विवेलेंट वेट कितना होगा बताओ यहीं पे कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट m by 2 होगा कि नहीं होगा. अचल अचल यस सर होगा m by 2 होगा कि नहीं होगा m by 2 बोलो होगा. कुछ नहीं है चलो सब लोग समझ गए कि नहीं समझे समझ गए आसान. अरे ऐसा हम करवाया भी हैं करवाया है नहीं करवाया बोलो. यस बहुत ऐसा तो हम ढेर सारा करा है हम तो डाइल्यूशन के साथ भी करा. चलो खैर अब मिला जुला के देखो जैसे एक बार मैंने डिस्कस किया एक बार दोबारा आज ही बना लो ये नहीं कि मत बना आज क्लास खत्म होगा 10:30 बजे थोड़ा पानी वानी पी के बस 10 मिनट पूरा एक बार दोबारा बना लो दोबारा एक बार पूरा शुरू फटाफट बताओ तो हमेशा के लिए कम्प्लीट हो जाएगा समझे नहीं समझे पक्का. देखो ये मत सोचो मैं पहले बता दे रहा हूँ दिमाग से निकाल दो कि ज्यादा क्वेश्चन बनाना. अगर कोई बच्चा सोचेगा कि हम दो किताब बना लेते हैं उससे अच्छा है कि एक पतली किताब को कई बार बनाइए 4 बार बनाइए उसी को बार बार बनाए ताकि याद हो जाए क्योंकि सवाल उसी बेस पे बार बार आएगा डाटा चेंज. तो जो 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में उसको 20 बार प्रैक्टिस कीजिए तो 400 क्वेश्चन बनाने से ज्यादा फायदेमंद होगा टाइम भी कम लगेगा और ज्यादा फायदेमंद होगा. इसीलिए मैं बच्चों बोलता हूँ प्रीवियस ईयर बनाओ बार 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 बनाओ ठीक है. तो चलो आगे चला जाए. यस सर. चलो अब इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं मिटाते हैं और आगे चलते हैं. आठवां है क्या इसके बाद सातवां के बाद. यस सर. यस सर. चलो आठवां बताओ क्या क्वेश्चन है बताओ तो आठवां आराम से बोलो.
आराम आराम से बोलना क्या 0.72 ग्राम ऑफ कितना 0.72 ग्राम यस सर हाँ ऑफ डाइबेटिक एसिड इसमें ऐसा ही सवाल आ गया डाई बेसिक एसिड वाज डिसॉल्व इन वाटर अच्छा वाज डिजोल ये थोड़ा लग रहा डाइल्यूशन है वाज वाज लिखे हैं वाज डिजोल डिजोल्व इन वाटर कितना 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 एमएल टू प्रिपेयर 200 एमएल सॉल्यूशन क्या है वाटर का डिजोल्व इन वाटर 200 एमएल सॉल्यूशन आगे सॉल्यूशन 20 एमएल ऑफ दिस सॉल्यूशन अच्छा इसका 20 एमएल ऑफ दिस सॉल्यूशन नीडेड 10 एमएल ऑफ N/10 NaOH N/10 यस सर फॉर कंप्लीट यूटिलाइजेशन हाँ NaOH क्या निकालना है चलो तो समझ गए यूटिलाइजेशन नहीं होगा फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड फाइंड मोलर मास ऑफ एसिड तो देखो भाई शक्कर अब ये है पहले ध्यान दो अच्छे से कि जो एसिड तुम्हारा लिया है एसिड वो लिया है 0.72 ग्राम कितने में इन दो सर यही ना है बोलो तो यस सर है ना तो देखो पहले तुमको मोलारिटी निकालना पड़ेगा ऐसे होगा नहीं देखो खाली ग्राम देता तो काम चल जाता लेकिन अब वेट भी दिया है और साथ में वॉल्यूम भी दिया तो पहले मोलारिटी निकालनी पड़ेगी तो मोलारिटी बराबर क्या होता है फार्मूला बताओ तो मोलारिटी बराबर मोल मोलर मास में मान लें यस सर अब बताओ मोलारिटी बराबर क्या होता है मोल बटे वॉल्यूम होता है जानते हो नहीं जानते हो बोलो यस यस और वॉल्यूम किसमें होता है बोलो लीटर में तो पहले मोलारिटी निकालना होगा तभी सवाल बनेगा ऐसे बनेगा नहीं पहले मोलारिटी निकाल के फिर इसका हमने लिया है 20 एमएल तो देखो 0.72 और बटे मोलर मास से डिवाइड किए और फिर इसको किस से डिवाइड किए 0.2 से डिवाइड करेंगे बोलो यार यस सर बोलो यार तो एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा क्या तो क्या आ जाएगा बताओ तो 7.2 और बटे में 2m आएगा क्या बोलो तुम बोलो यार एक पॉइंट कटा दिए ये दोनों मत कटा देना दस, एक दशमलव से एक ही कटेगा तो वहां पे चला जाएगा समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बोलो यस सर ये दोनों कटा देना तो फाइनल क्या आएगा बताओ 3.6/m ये मोल आ गया कि नहीं आ गया बस ये मोलारिटी आ गया कि नहीं अब मोल है कि मोलारिटी बताओ ये मोल है कि सीधे मोलारिटी बोलो मोलारिटी मोल है कि मोल मोल तो इतने होगा ना मोल तो खाली यही होगा मोलारिटी हमने निकाल दिया देखो तो जो एसिड है एसिड का हाँ की मोलारिटी कितनी हमने निकाल ली बताओ मोलारिटी कितनी निकाले एसिड की मोलारिटी बताओ 3.6 m 3.6/m सब लोगों को आया कि दोबारा बता देखो यार वेट दिया था वॉल्यूम दिया कितना वेट इतने एमएल है तो मोलारिटी निकालेंगे ना मोल और बटे वॉल्यूम कर दिया मोलारिटी आ गया लेकिन अब देखो ये कितना एमएल लिए है ये वाला ये कितना एमएल लिए 20 एमएल लिए ये मोलारिटी वाला 20 एमएल लिए और इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं NaOH कितना लिए बताओ NaOH 1/10 10 एमएल अरे हाँ 10 एमएल 1/10 नॉर्मल या मोलर जो भी है कोई टेंशन अब इक्विवेलेंट बराबर किया जाए बोलो बोलो सर अब रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट बराबर करेंगे ना तो ये नीचे वाला तुम लिख लियो तो मिटा दे क्या वाला लिख लो तो मिटा दे तो, नीचे वाला मिटा दीजिए मिटा दीजिए सबको आया कि दोबारा बताए क्या किया बताओ आ गया सर ये देखो देखो इसके पहले ग्राम देके डायरेक्ट रिएक्शन करा रहा अब करा ग्राम को हमने इतने एमएल में किया
तो ग्राम केमल लिया तो हम वॉल्यूमा निकालेंगे ना, मोलारिटी निकालेंगे ना, हाई ग्राम दिए वॉल्यूम दिए हम पहले मोलारिटी निकाल, फिर मोलारिटी से मोन व्यू में अप्रोच करेंगे, खाली ग्राम रहता तो इसकी जरूरत नहीं रहती। तो चलो अब देखो, अब हमको इक्विवेलेंट बराबर करना है, अब हमें इक्विवेलेंट बराबर करना है, इक्विवेलेंट। तो चलो इक्विवेलेंट को बराबर करना, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। तो चलो अब जिससे पूछेंगे टन से बताना दोनों का इक्वेशन इक्विवेलेंट बराबर क्या क्या लिखेंगे। देखो दोनों साइड में वॉल्यूम है, इस बार एमएल में है। सुशांत, सुशांत मुझे बताओ इक्विवेलेंट के लिए क्या लिखें सर, बताओ जल्दी से। The mole into valence factor. वो तो है ये, तो लिखे क्या होता है तुमको पता है कि mole into valence factor होता है, यहाँ लिखे क्या, molarity volume है, बताओ क्या लिखे sir, 20 into उसका valence factor। अरे 20 into valence factor तुमको पता है कि क्या valence factor, बोलो कि valence factor क्या है, डाई बेसिक मतलब valence factor कितना हुआ बताओ एसिड का, 2 हो गया। लेकिन अभी भी छोड़ रहे हो, अभी तुम खाली वॉल्यूम इनटू वैलेंस फैक्टर लिखो, साथ में क्या लिखाएगा बोलो, मोलारिटी, मोलारिटी लिखाएगा ना, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंस फैक्टर, एक्चुअली एक्चुअली होता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंस फैक्टर, तो तू इसको बाद में लिखा, पहले तुम मोलारिटी लिखो, मोलारिटी कितनी है बताओ, 1.6 अब 1000 का जरूरत है कि जरूरत नहीं है इस बार बताओ तो, नहीं बताओ सुशांत घबराओ मत, नारा तो बताओ, देखो देखो कैसे किया, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम किया तो मोला क्या इनटू, चलो उधर का इक्वेशन बताओ, उधर का इक्वेशन बताओ, 1/10 × 10 बस सौ का बैलेंस फैक्टर तो बने होगा। अब मुझे बताइए ईमानदारी से आप लोग, अब इसको आप लोग सोल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बोलिए, हो जाएगा, आप यहाँ से करके देख लीजिए, कुछ नहीं है, 0.36 आएगा, 36 × 4 144 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलिए तो, मोलर मास 144 आ गया सीधे सीधे, 144 सब लोगों को आया कि नहीं आया बोलो भाई, बोलो सर आ गया, आ गया सर, पहले पहले अब जैसे इतना ग्राम इतने एमएल में दिया है भाई, ग्राम देके वॉल्यूम भी दिया है तो हम डायरेक्ट नहीं ना करा सकते, पहले मोलारिटी निकालें फिर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करें, तो देखो इतना लिया 200 एमएल में घोला है और कितना यूज किया, सिर्फ 200 यूज किया कि 20 यूज किया बोलो, 20 यूज किया, तो पहले हम लोग मोलारिटी निकालेंगे फिर M1V1 से अपना अप्रोच करेंगे, M1V1 मोलर बैलेंस फैक्टर। आखिरी नौवा, नौवा बताइए, नौवा आखिरी है ना कि और कोई है, लास्ट तो नौवा में लिखूंगा, थोड़ा सा आप लोग अप्रोच करेंगे, थोड़ा आपको टाइम दूंगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, पक्का, बोलिए, सबके पास तो है नहीं, इस क्वेश्चन को लिख के मैं 2-3 मिनट आपको टाइम दूंगा, ट्राई कर लीजिएगा फिर मैं बताऊंगा, टाइम भी लगभग होने ही वाला है ऑलमोस्ट, तो और थोड़ा आप लोग ट्राई भी कर लीजिए, इस क्वेश्चन को बताइए पहले मैं अच्छे से लिख, और उस आप लोगों को 2-4 मिनट टाइम दू फिर मैं इसको, ठीक है ना, बोलिए, ठीक है सर, ठीक है सर, इतना मैं बता चुका हूँ आप कर लेंगे, आप लोग बताइए और सबसे आखिरी कर लेंगे, सबसे अच्छा सवाल बोलिए क्या है क्वेश्चन, 0.63 ग्राम सैंपल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ब्रैकेट में H2C2O4 डॉट H2O, चलिए, नीडेड 50 ml, needed 50 ml of 0.2 molar NaOH, solution for complete neutralization. ठीक है, क्या निकालना है, find out the number of molecules of water of neutralization, मतलब फाइंड एक्स, एक्स बताना है वैसे, फाइंड एक्स, इसी एक्स को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलते हैं बताइए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन इसी को बोलते हैं, तो मैंने बड़ा सवाल नहीं लिखा है, वो तो कहता ही है कि कंप्लीट रिएक्शन काम झाने से मैंने नहीं लिखा, मैंने तुमको सीधे सीधे सवाल ये है कि तुम्हारे पास कौन है बताओ,
ऑक्सैलिक एसिड ये कितना है? ये 0.63 ग्राम। और तुम इसका किससे रिएक्शन करा रहे हो बताओ? NaOH। अब NaOH तुम्हारे पास कितना है? 0.2 × 50 ml। चलो अब तुमको यही रिएक्शन को करा के X बताना है, तो आराम से तुम लोग इसको ट्राई करो, 2-3 मिनट। Yes, तो देखो क्वेश्चन यही था, रिकॉर्डिंग अभी ऑन किया। देखो ये 0.63 ग्राम है और इसका रिएक्शन 50 ml 0.2 मोलर से करवाना, तो हम कुछ नहीं किया। बैलेंस डाई बेसिक एसिड है तो बैलेंस फैक्टर 2 होगा, बोलो। डाई बेसिक है ना ये, हाइड्रोजन जो यहीं से आएगा ना, वाटर तो देगा नहीं, वाटर का हाइड्रोजन ये देगा, 2H+ है तो दी। अब कभी भी रिएक्शन होगा हम इक्विवेलेंट बराबर करते हैं, तो मोल और इसका मोलर मास क्या आएगा बताइए? वेट बटे मोलर मास करेंगे तब ना मोल आएगा, मोल के बाद ही ना हम बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट निकालेंगे, बोले ना मोल। वेट बटे मोलर मास, मोलर मास कितना आएगा इसका? 90, इसका 18 है, तो वेट बटे मोलर मास किए, मोल आ गया, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब फिर बैलेंस फैक्टर 2 है, मल्टीप्लाई किया तो इक्विवेलेंट आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, अब इधर वाले का बराबर करना है, ये बेस है तो 50 ml है, वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, जब ml है तो कट जाता है, तो वॉल्यूम लीटर में, तो मिली तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम किया, मोल आया 1000 की। यहाँ बैलेंस फैक्टर क्यों नहीं लिखे हैं बताओ? क्योंकि बैलेंस फैक्टर कितना है बोलो? 1। बैलेंस फैक्टर 1 है ना, तो चाहो तो 1 लिख लो, ऐसे ना तो छोड़ भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद क्या किया है बताओ? 1 0 से 1 0 को खा गए, 100 को इधर ले आए और 5 × 0.2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 × 0.2 = 10, 5 × 0 = 10 और पॉइंट लगा तो 1 आ जाएगा, इसको पूरा इधर लेकर चलेगा और इसको इधर ले आए तो 100 × 0.63 × 2 बराबर 90 + 18 है, ये 100 है तो डेसिमल को खा जाएगा, 63 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 126, 90 घट जाएगा, 36 बचेगा, 18 है तो कट जाएगा, 6 / 2 करेंगे। बोलो बच्चे क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर। तो मुझे बताओ मैंने सारा डीपीपी डिस्कस कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो नवो क्वेश्चन कर दिया। देखो अब आंसर क्या दिया है, देखना ना हो सकता कुछ गलत हो गया हो भेजने में। अब तुम लोग को करना यही है, मैं फिर से बता रहा हूँ, उसको जरूर से कर लेना है आप लोग, ठीक है? अभी क्लास में एंड कर रहा हूँ।